ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको भूल कर भी इन तीन रंगों के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अगर हम इन रंगों के जूते चप्पलों को पहनते हैं तो इससे हम स्वयं अपने हाथों से अपने ग्रहों को ख़राब करते हैं, हमारे लक को ख़राब करते हैं, और इसके साथ ही हम उन सब चीज़ों को भी तकलीफ़ में डाल देते हैं जो लाइफ में एक अच्छे वे में जा रही। कभी भी किसी से मांग कर या किसी ने दान किए हुए चप्पल अगर आप सक्षम हैं तो वो कभी नहीं पहनना चाहिए। जाने अनजाने में उसका कुछ मूल्य उन्हें ज़रूर दे दें। अगर कोई हमें गिफ्ट में चप्पल जूते कुछ भी कर रहा है तो 10 रुपये उसे डोनेट कर दें, 10 रुपये दे दें, और वो फ्री में ना लें, वो गिफ्ट में कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि चप्पल शनि के अंतर्गत आते हैं और शनि जो है वो चलायमान है। तो कई बार आपने देखा होगा चप्पल जाने के बाद हमारे मन में कि पनौती गई, चोरी हो जाते हैं, तो चलो पनौती गई, ये सब लोगों में एक है, हमेशा आपने सुना भी होगा। तो मुख्यतः कभी भी दान करे हुए चप्पल या कभी भी गिफ्टेड चप्पल हमें नहीं लेना चाहिए, उसका मूल्य देना चाहिए। अब रही बात रंगों के ऊपर आए, हर एक व्यक्ति का कुछ फेवरेट रंग होते हैं, जैसे आपका लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, नीला हो सकता है, हरा हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, उन कलरों के चप्पल हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। ये बात थोड़ी सी विपरीत आपको लगेगी, लेकिन ये आप एक बार करके देखें, आपको बहुत इससे पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। जो रंग आपको पसंद है वो कलर के चप्पल ना पहने आप। ये जैसे ही आप नहीं पहनेंगे तो उससे कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो ग्रहों का गोचर होता है उसका स्वभाव उसी तरह का होता है, उसे वही कलर पसंद होगा, लाल कलर पसंद होगा, सफ़ेद पसंद होगा, तो वो उसके पॉजिटिव साइन है। और अगर उस पॉजिटिव साइन को वो पैरों में पहनेगा या उन कलरों को पैरों में रहेगा तो उस ग्रहों के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव फ़ायदा मिलने वाला है वो उसमें कमी देखी गई है। ऐसा बहुत से जातकों के साथ देखा गया और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उन कलरों को अवॉइड करना है। लेकिन अब यहाँ से कुछ बातें और जो आपको जानना जरूरी है मैं उनको बताऊँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, अपने जिस भी तनाव परेशानी या जिस भी परेशानी से वर्तमान में आप गुजर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़रूरतमंदों को चप्पल हमेशा दें, ज़रूरतमंदों को। जैसे कई बार वृद्धाश्रम हो जाते हैं, कई बार अनाथ आश्रम हो जाते हैं, तो इन आश्रमों में चप्पल ज़रूर डोनेट करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो मुख्यतः चप्पलों में एक और बात है कि चप्पल हमेशा रोज साफ़ करें, स्वच्छ पहने, सफाई करें, साफ चप्पल ही पहने, फटे टूटे चप्पल ना पहने। ओम नमः शिवाय।